तो है व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब यहाँ पर बढ़िया होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़िया ही रहे। तो गाइस आज के हमारी ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एकदम से क्या ही बताए उतनी यहाँ पर मज़ेदार वीडियो है। बिकॉज आज की वीडियो में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं आपके यहाँ पर आफ्टर अपडेट के बाद वन टैप हेडशॉट कैसे लगाना है, उसके लिए यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी, कौन से स्टेप होंगे और कौन कौन सी बात यहाँ पर आपको ध्यान में देनी होगी, जिसकी मदद से यहाँ पर आप बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर वन टैप हेडशॉट मार पाओ। तो गाइस सिर्फ यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। अगर गाइस यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप कर देते हो तो यहाँ पर आप एक पार्ट भी मिस कर दोगे तो आपका वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा। इसलिए गाइस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आप स्टेप बाय स्टेप और पूरी ट्रिक यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। जैसे हम यहाँ पर मार रहे हैं वैसे यहाँ पर आप भी मारने लग जाओगे, बट आपको पूरी वीडियो हमारी देखनी होगी। तो चलिए गाइस अभी हम हमारे छोटे से इंट्रो और हमारी जो वीडियो है उसको अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट यूनिक स्टेप है वो है गाइस सेंसिविटी। तो यहाँ पर आपको सेंसिविटी क्या सेट करनी होगी, जिसकी मदद से यहाँ पर आप वन टैप हेडशॉट बहुत ही इजी स्टेप में और इजी वे में लगा पाओ। तो गाइस यहाँ पर आप मेरी सेंसिविटी देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ गाइस, यहाँ पर सभी सेंसिविटी एक के लिए नहीं बनी होती है, सभी यहाँ पर डिवाइस की रैम के मुताबिक सेंसिविटी होती है। यहाँ पर आप मैक्सिमम रख के खेलना चाहते हो तो भी खेल सकते हो, बट यहाँ पर आपको वन टैप हेडशॉट मारना है या फिर ड्रैग हेडशॉट मारना है तो इसमें यहाँ पर ये जो जनरल और रेड डॉट है वही सेंसिविटी काम आती है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंसिविटी सेट करनी होगी। अब यहाँ पर मेरी सेंसिविटी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 95 और 97 सेट किया हुआ है। जनरल 95 है, रेड डॉट 97 है। तो अब यहाँ पर गाइज सुनो, यहाँ पर आपका डिवाइस सैमसंग का है, शाओमी का है, रियलमी का है, कोई भी डिवाइस है, तो आपको अपने रैम के मुताबिक सेंसिविटी चाहिए वन टैप की। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने न्यू वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी है अपनी रैम के मुताबिक, अपनी डिवाइस के मुताबिक। तो वहाँ पर वो वीडियो जाके यहाँ पर चेकआउट कर लो, आपको वहाँ से आपकी बेस्ट सेंसिविटी मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पर आपको पहले सेंसिविटी सेट कर लेनी है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि आप वन टैप हेडशॉट मारने जाते हो तो अब यहाँ पर आपकी एम की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपकी यहाँ पर पोजीशन क्या होनी चाहिए जिसकी मदद से आप बहुत ही इजी स्टेप में यहाँ पर वन टैप हेडशॉट मार पाओ। तो गाइस चलिए वो आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो गाइस जब भी यहाँ पर आप वन टैप हेडशॉट मारने जाते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पहले एनिमी की पोजीशन चेक करनी है कि एनिमी किस साइड जा रहा है, किस साइड खड़ा है या फिर किस साइड आ रहा है, उसको यहाँ पर आपको पहले जांचना है। पहले यहाँ पर उसको चेक करना है एनिमी किस साइड है, किस साइड आ रहा है। बाद में यहाँ पर आपका जो एम है उसको यहाँ पर एनिमी की ओर ले जाना है। एनिमी की ओर कितना ले जाना है, अगर वहाँ पर आप स्ट्रेट डायरेक्ट वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो तो यहाँ पर हमारा जो एम है वो यहाँ पर एनिमी की बॉडी में ऑलरेडी कनेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप रोटेशनल डायरेक्ट वन टैप हेडशॉट वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो या तो यहाँ पर आपका एम हो यहाँ पर पहले एनिमी से दूर होना चाहिए। जब यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर आप ये ट्रिक को इस्तेमाल करना चाहते हो तभी यहाँ पर आपका एम है वो यहाँ पर एनिमी के पास होना चाहिए। वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो रोटेशनल ड्रैग वन टैप हेडशॉट ट्रिक। उसके बाद यहाँ पर गाइस चलो एम तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया कि एम को यहाँ पर कैसे हमें सेट करना है, एनिमी के ऊपर कैसे ले जाना है, हमने आपको बता दिया। अब गाइस जब भी आप वन टैप हेडशॉट मारने जाते हो तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो गाइस यहाँ पर इतना मान लो यहाँ पर आप जब भी वन टैप हेडशॉट मारने जा रहे हो तो आपकी पोजीशन स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब कि आपको हिलना नहीं है। जब भी आप वन टैप हेडशॉट की ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जॉयस्टिक को छूना ही नहीं है, जॉयस्टिक को छोड़ ही देना है, उसको यहाँ पर टच ही नहीं करना है, तो यहाँ पर अपोनेंट एनिमी के ऊपर आप वन टैप हेडशॉट अप्लाई कर पाओगे। वरना गाइस यहाँ पर आप वन टैप हेडशॉट मारने जा रहे हो और तब यहाँ पर आप जॉयस्टिक को इधर उधर करोगे तो उसको कभी भी यहाँ पर वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा। इसलिए गाइस जब भी यहाँ पर वन टैप हेडशॉट मारने जाओ तो आपकी पोजीशन यहाँ पर आपको स्ट्रेट रखनी होगी, जब भी अप्लाई करो तब यहाँ पर स्ट्रेट हो जाओ, बाद में यहाँ पर आप मूवमेंट अच्छी खासी कर सकते हो।
चलिए गाइस अब बात करते हैं कि आपको वनटैप हेडशॉट कैसे मारना है। तो गाइस यहाँ पर आपको पहले बेसिक को क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पर एनिमी की पोजीशन क्या होगी, उसके बाद यहाँ पर आपकी एम की पोजीशन क्या होगी, उसके बाद यहाँ पर आपकी पोजीशन क्या होगी, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आपको यहाँ पर वनटैप हेडशॉट कैसे मारना है। तो गाइस यहाँ पर वनटैप हेडशॉट मारने के लिए फर्स्ट यहाँ पर आपको एक जंप लेना होगा, और जंप जैसे यहाँ पर कम्प्लीट हो तब तक यहाँ पर आपको एम की पोजीशन यहाँ पर सेट कर लेनी है एनिमी के ऊपर। अगर वहाँ पर आप स्ट्रेट ड्रैग वनटैप हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपका एम है वो यहाँ पर एनिमी के ऊपर आपको रेड कर देना है, कनेक्ट कर देना है। अगर वहाँ पर आप रोटेशनल ड्रैग वनटैप हेडशॉट मारना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी एम की पोजीशन एनिमी से यहाँ पर आपको दूर रखनी है। सो गाइज मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला था रोटेशनल ड्रैग वनटैप हेडशॉट ट्रिक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जंप लिया, बाद में जैसे जंप कंप्लीट हुआ तो मैंने यहाँ पर रोटेशन दे दिया लेफ्ट रोटेशन। देखो यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन जैसे ही दिया तो उस एनिमी को यहाँ पर वनटैप हेडशॉट लग गया। अब वो कैसे लगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या करना है। गाइज यहाँ पर आपको फर्स्ट एक जंप लेनी है, जंप लेने के बाद जैसे यहाँ पर जंप कंप्लीट हो तब तक यहाँ पर आपको एम को यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। बाद में यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर जंप कंप्लीट हो जाए, आपका पाँव यहाँ पर जमीन में टच हो जाए, बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है वनटैप हेडशॉट ट्रिक। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया वैसे यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप किसी भी एनिमी को यहाँ पर बहुत ही ईजी स्टेप में यहाँ पर वनटैप हेडशॉट मार पाओगे। तो गाइज क्या करना है, जैसे हमने बताया वैसे आपको फॉलो करना है। और गाइज यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करे बिना यहाँ पर आप वनटैप हेडशॉट मारने जाओगे तो कभी भी वनटैप हेडशॉट नहीं लगेगा। इसलिए गाइस फर्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना तो यहाँ पर आप वनटैप हेडशॉट मार पाओगे। और गाइस जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया उसको भी फॉलो कर लेना। तो मैं यहाँ पर इतनी गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यहाँ पर आप 10 में से यहाँ पर 7 को या 8 को तो यहाँ पर वनटैप हेडशॉट मार ही लोगे। तो गाइस आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक से मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस एक लाइक तो मार ही दीजिए। और गाइस मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने जो इस वीडियो में यहाँ पर पूरी मेहनत की, यहाँ पर पूरी सफल है, तो एक लाइक तो दीजिए। अब आपको ऐसा लगे कि अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बिकॉज वो भी यहाँ पर आपके जैसे और मेरे जैसे वनटैप हेडशॉट मार पाए। तो अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हमारी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, पास में दिखने वाला जो बेल आइकन है उसको जल्दी से ऑल पे सेट कर दीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर में हमारे जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको इससे जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। और गाइज अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक वहाँ पर हमें मैसेज कर देना, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।